घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया, अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु हम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर आप शंकर को चढ़ा, 5-6 दिन चढ़ा, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया, महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचा, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए, बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी।